हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग गाइस। ये है मेरी दीदी की बेटी, इसका नाम है कृषा। कल हम इसके घर पे आए थे और अभी इसलिए रो रही है क्योंकि ये कह रही है कि मुझे भी आपके साथ घूमने जाना है। ना जाना है आपको भी चलना है गाइस। आज का मेरा साथी है हेमंत और हेमंत और मैं पूरा जयपुर घूमेंगे। तो अभी हमारा स्टार्टअप हमारी पहली लोकेशन है नाहरगढ़ का किला और उसके बाद देखते हैं कहाँ कहाँ पे घूमने जाएंगे। और ये हमारे जीजा जी आ गए हैं। हाय जीजा जी। सो अभी अपनी राइड कंटिन्यू करते हैं। कल शाम आ गया था, आराम किया, रिलैक्स किया बॉडी को और अब आज जाते हैं घूमने और उसके बाद आज देखते हैं कौन कौन सी लोकेशन कवर होती है। सो मिलता हूँ आपको 2 मिनट में बाइक पर। बाय कृषा, बाय बाय। चलो बाय करो। गाइज फाइनली हम आ चुके हैं जल महल। वो देखिए पीछे जल महल दिख रहा है आपको और बहुत अच्छी लोकेशन पे है, बिल्कुल पानी के बीचों बीच बना हुआ है। और हेमंत आया मेरे साथ और बहुत अच्छी जगह है। और ये देखिए इसमें बहुत सारी चीज़ें बनाई हुई हैं, बहुत सारे लोग यहाँ पे फोटोज़ वीडियोज़ बनाने के लिए आए हैं। वो देखिए सब ने यहाँ का ड्रेसअप पहना हुआ है। गाइज ये देखिए कुछ अनोखी सी चीज़ दिखाई है कि राजा लोग दोस्तों हम अपने महल में कैसे आते थे, कैसे जाते थे। ये यहाँ पर आगे से म्यूजिक चल रहा है, राजा हाथी पे बैठे हुए हैं और उनकी सेना पीछे से ढोल नगाड़े बजाते हुए सेना आ रही है। अरावली पहाड़ों के गर्भ में स्थित ये जल महल मानसागर झील के बीच में स्थित है। किसी जमाने में ये जल महल रोमांटिक महल के नाम से भी जाना जाता था क्योंकि इस महल का निर्माण सवाई जयसिंह राजा ने अपनी रानियों के साथ स्नान करने के लिए करवाया था। राजा इस महल को अपनी रानियों के साथ खास वक्त बिताने के लिए इस्तेमाल किया करते थे और इस महल का इस्तेमाल उत्सवों पर भी किया जाता था। इसका निर्माण सन 1799 में हुआ था। जल महल का निर्माण राजपूत और मुगलों की वास्तुकला शैलियों को मिलाकर किया गया था। ये पूरा स्ट्रक्चर लाल बलुआ पत्थर से बना है। इस इमारत की 5 में से 4 मंजिलें झील के पानी में जलमग्न है, मतलब पानी में डूबी हुई है। सिर्फ 1 मंजिल पानी के ऊपर नजर आती है। गाइज हम आ चुके हैं नाहरगढ़ के किले के एंट्री पॉइंट पर। यहाँ से नाहरगढ़ और जयगढ़ किले का रास्ता जाता है और ये बहुत अच्छा व्यू है, जंगल जंगल जैसा लग रहा है और ऊपर को फुल पहाड़ों में चढ़ाई कट रही है और बहुत अच्छा लग रहा है, एक अलग ही फील आ रहा है यहाँ पे। देखिए कितना अच्छा रास्ता है और हम अभी हाइट में जा रहे हैं और आगे जाके आएगा नाहरगढ़ का किला। गाइज आपको वो पॉइंट दिख रहा है, वो नाहरगढ़ के किले का स्टार्टअप है। लगाइए इतनी हाइट पे जाने के बाद उसका स्टार्टिंग पॉइंट है और ये तो फुल उत्तराखंड की चढ़ाई जैसा लग रहा है और गाड़ी बहुत तेज आ रही है ऊपर से, ऐसा लग रहा है मुझे। गाड़ी है, हाँ गाड़ी है।
गाइस, ये एयरफोर्स का ऑफिस, ये बिल्कुल जो गेट के सामने है वो जाता है जयगढ़ को और ये जाता है नाहरगढ़ को। और ये देखिए, वंस अपॉन अ टाइम एट नाहरगढ़ अ फाइन डाइन इंडियन रेस्टोरेंट, अंदर रेस्टोरेंट भी है, उसका बोर्ड लगा हुआ है यहाँ पे। तो अभी हम पहले चलेंगे नाहरगढ़, उसके बाद अगर टाइम लगा तो फिर जयगढ़ भी जाएंगे। गाइज, हम आ चुके हैं नाहरगढ़ के किले में और ये उसका मेन एंट्रेंस है, यहाँ से अंदर जाएंगे। ये एरिया है पार्किंग का और यहाँ हमने गाड़ी लगा दी है, और मतलब ये मेन रोड से बहुत मज़े लगता है, 7 या 8 किलोमीटर ऊपर है। तो उसके बाद आ जाएंगे, उसके बाद हम यहाँ पे आ चुके हैं और अभी हम जा रहे हैं अंदर। ये इसका मेन एंट्रेंस है, यहाँ पे निःशुल्क प्रवेश, आपकी फ्री एंट्री है। और हाँ, वैसे यहाँ की टिकट 50 रुपीज़ है, इंडियन स्टूडेंट के लिए 20 रुपये है, फॉरनर के लिए 200 रुपये है, और फॉरन स्टूडेंट के लिए भी 25 रुपये। हम आ चुके हैं अंदर और 50 रुपीज़ की एक टिकट है, तो 2 लोगों की यहाँ पे 100 रुपीज़ की टिकट हुई। जी भैया, हाँ दिखा दो टिकट। गाइस, यहाँ पे टिकट की चेकिंग होती है। हाँ हाँ, ज़रूर ज़रूर भैया, कह रहे हमारी भी फ़ोटो ले लो। ठीक है भैया, थैंक यू। भैया कह रहे थे हमारी फ़ोटो ले लो, तो हमने कहा जो हमारे साथ हमारे लोग हैं सब हमारे साथ इस वीडियो में आइए, सब खुश रहिए और हमें भी खुश करिए। अच्छा, यहाँ बार भी है, कोई बात नहीं, हमें अभी बार की कोई ज़रूरत नहीं है। और हेमंत कुछ मूड में है बार के, ठीक है। तो अब, और ये बहुत अच्छा बनाया हुआ है, व्यू पॉइंट है यहाँ पे, ये यहाँ का व्यू पॉइंट है। और ये यहाँ शीश महल करके एक ट्रेन बनाई है, जयपुर वैक्स म्यूजियम है। राजस्थान भारत के शाही राज्यों के रूप में प्रसिद्ध है, जो अपनी समृद्ध संस्कृति, सुंदर महलों और राजसी किलों से पर्यटकों को आकर्षित करता है। नाहरगढ़ किला राजा का एक ऐसा शानदार किला है जो जयपुर में अरावली पर्वत श्रृंखला में स्थित है। कभी सुदर्शनगढ़ के नाम से जाने जाने वाला नाहरगढ़ किला महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय द्वारा 1734 में बनवाया गया था। अपने गौरवशाली और भव्य वास्तुकला के साथ नाहरगढ़ किला दुनिया भर से पर्यटकों को आकर्षित करता है। इसे भारत के सबसे बड़े किलों में से एक माना जाता है, जो जयपुर में घूमने के लिए सबसे अच्छी जगह है। नाहरगढ़ किला कई महत्वपूर्ण घटनाओं से जुड़ा है। ये किला इंडो यूरोपियन वास्तुकला का एक आदर्श उदाहरण प्रस्तुत करता है। भव्य द्वारों, विशाल प्रांगणों और मीनारों के साथ किला राजपूताना साम्राज्य के प्रभाव को प्रदर्शित करता है। किले में जयपुर के शासक और राजकुमार नाहर सिंह भूमिया को समर्पित कुछ मंदिर भी शामिल हैं। नाहरगढ़ किले के बारे में एक भूतिया कहानी ये है कि राजकुमार नाहर सिंह भूमिया की आत्मा महल के चारों ओर घूमती है और निर्माण कार्य में बाधा डालती थी, इसलिए दिन में जो भी बनाया जाता था वो रात में गिर जाता था। राजकुमार सवाई जयसिंह का मानना था कि राजकुमार की बेचैन आत्मा निर्माण कार्य को होने नहीं दे रही है, इसलिए ज्योतिषियों और पुजारियों के मार्गदर्शन के आधार पर सवाई जयसिंह की कीमत के लिए समर्पित मंदिर बनाने का फैसला किया गया। साथ ही राजा ने उसके सम्मान में किले का नाम राजकुमार के नाम पर रखा।
बाद में किले का निर्माण कार्य सुचारू रूप से चला। और यह है हमारे यहाँ के देवता नार सिंह की भूमिया। जब इसका निर्माण करने लगे तो यहाँ पे इनका मंदिर का स्थान था, तो यहाँ के राजा ने माना नहीं, तो जब तक ये बना ही नहीं, जब तक कि इनको स्थान नहीं दिया गया, इनसे माफी मांगी गई, उनको स्थान दिया गया। उसके बाद में इन्होंने कहा भाई मेरे नाम से अगर तू ये नाम रखे किले का तो मैं बनाने दूंगा, पर ठीक है आपके नाम से इसका मैं नाहरगढ़ करता हूँ, इनके नाम से महाराज जी के नाम से इसका नाम नाहरगढ़ है। किला मुख्य रूप से रक्षा उद्देश्य के रूप से बनाया गया था, लेकिन इसके पूरे इतिहास में कभी दुश्मनों द्वारा हमला नहीं किया गया। So guys, अभी हम आए हैं नाहरगढ़ किले की छत पर, और यहाँ सर यहाँ से बहुत ही खूबसूरत व्यू आता है, और यहाँ से आपको पूरे पूरे किले के सारे रूम्स के ऊपर का हाइट वाइट सब कुछ अच्छे से दिखेगी, और यहाँ से पूरे जयपुर का जो व्यू है ना वो तो पूरा बहुत ही क्लासिक व्यू है। ये देखिए पूरा जयपुर ऐसा दिखेगा आपको, जन्नत। और तो और गाड़ियों की हॉर्न की आवाज़ तक यहाँ पर सुनाई दे रही है, और बहुत तेज़ हवा का फ्लो है। ये पुराने ज़माने में ये जो नीचे रास्ता है ये रास्ता था, बाउंड्री यहाँ पे सारे सिपाही यहाँ से अपने किले की सुरक्षा में हमेशा कायम रहते थे। और यहाँ को यहाँ घूमने लायक बहुत अच्छी जगह है, बहुत अच्छा व्यू, सामने मेट्रो भी दिख रही है यहाँ से, और इन्जॉय कर रहे हैं हम दोनों के दोनों बहुत ज़्यादा नाहरगढ़ किले को। नाहरगढ़ के किले को घूमने के लिए आपके पास बहुत टाइम होना चाहिए, ये बहुत बड़ा है और यहाँ देखने के लिए बहुत कुछ है। आमिर खान सर की फिल्म आई थी रंग दे बसंती, उसका बहुत ज़्यादा शूट है, और एक दो फिल्में और हैं शुद्ध देसी रोमांस, और मतलब बहुत सारी मूवीज़ की शूटिंग होती है। बहुत अच्छा मतलब ये बहुत अच्छी लोकेशन है, और यहाँ पर आपको राजघराने की सारी फीलिंग आएगी, जो यहाँ पर जिस हिसाब से रूम्स बने हुए हैं, जिस हिसाब से नक्काशियाँ डेकोरेशन है, बहुत अच्छा लगेगा। बट वही है, आप यहाँ कभी भी आएँ तो शाम को आएँ, ठंडी ठंडी हवाएं चलेंगी, और यहाँ घूमने के लिए बहुत कुछ है, बहुत मज़ा आएगा आपको यहाँ पे। और यहाँ की सबसे जो मेन चीज़ है वो है यहाँ का सनसेट पॉइंट, और मतलब जिस टाइम सुबह सूरज आता है और जिस टाइम सूरज जाता है, यहाँ से बहुत ही खूबसूरत व्यू आता है उस चीज़ का, वो देखने के लिए या तो आप सुबह आएँ या फिर आप शाम को आएँ।